हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर मील्स। सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ ये ब्रिंजल, ये वाला जो अंदर से वाइट है और बाहर से ब्लैक है, ये बहुत टेस्टी रहता है ये ब्रिंजल। तो आज ये बनाएंगे ब्रिंजल के साथ। ये सूखा कर दी, सूखा झींगा डाल के बनाते हैं। तो डालेंगे अभी तेल, आधी चम्मच तेल डालेंगे और डालेंगे ये प्याज। ये दो प्याज है मैंने लिया था, और ये दो चार हरी मिर्च और एक टमाटर मैंने लिया है। तो अब प्याज को बनाते हैं गोल्डन ब्राउन, थोड़ा सा पिंक बनाएंगे। देखो अभी ये पूरा कांदा अच्छे से ब्राउन हो गया है। जो ज़्यादा तेल नहीं डालना है, तेल खाने से अच्छा नहीं है। तो अब डालते हैं ये मिक्स मसाला और आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिक्स मसाला। ये जो मिक्स मसाला है इसमें सब चीज़ है, मतलब धनिया, जीरा, गरम मसाला, सारे गरम मसाले हैं, सब मिर्ची ये घर में बनाया हुआ है तो अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता है इसको। ये डालेंगे तो बहुत होता है। ये देखो ऐसे, और फिर डालेंगे ये टमाटर और मिर्ची, हरी मिर्च, और डालेंगे ये अपना बैंगन, ऐसे काटा है मैंने बीच में से काट के। इसको रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है ना, क्योंकि इसमें आयन होता है बैंगन में, तो ये काला हो जाता है आलू के जैसा। तो अब डालेंगे ये बैंगन और अपना झींगा जो हमने लिया था। झींगा को अच्छा से धो के लेना चाहिए, क्योंकि उन लोग सुखाते हैं वहाँ मिट्टी रहती है, तो मिट्टी अच्छी तरह से निकलना चाहिए। और अब डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालो और उसको घुमाओ। अभी देखो मैंने पूरा घुमा दिया, मसाला लग गया। अभी अब थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा छिड़क के डालेंगे, बस इतना पानी डाल के उसको ढक के अभी पकने के लिए रखते हैं। तो फिर देखते हैं अपना भाजी। ये देखो अपना भाजी तैयार है, बहुत मस्त बन गया, बैंगन भी पक गया है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलो, और आप भी सब्सक्राइब करो, ये सब फ्री है आपके लिए। तो अब मारते हैं इसको धनिया। ये देखो बहुत मस्त लगता है ये धनिया के बाद, धनिया डालने के बाद। तो गैस करते हैं बंद।